बता देगा कहाँ तक था। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। आज 5 तारीख हो गई है ना, समय तो ऐसे कट रहा है जैसे कि भाग रहा है। मुट्ठी में जब हम बालू ले लेते हैं, हाथ में नहीं रुकती ना, ये वो समय होता है। और इस कम समय में हम अपने आप को कैसे प्रूव करें कि मैं बालूजीपुरी पढ़ सकता हूँ। तो बेटा, इसके लिए ज्ञानेश्वर ने ब्रह्मास्त्र का एक नया तरीका निकाला है, जिसमें हम सब कम पेजेस पढ़ करके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जो अभी भी 12th करके आए हैं। जिन्होंने पूरे साल बहुत नहीं पढ़ा, उनके लिए बहुत अच्छा है। बेटा, किताब फर्स्ट हो या किताब सेकेंड हो, दोनों से हमने 80-80 पेजेस सेलेक्ट किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर किताब से, इन 80 पेजेस से 30+ क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। जिसको मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, ये किताब खुद बोल रही है, ये हमारे पॉइंट्स खुद बोल रहे हैं कि बेटा इन 80 पेजेस से हमने 32 क्वेश्चन 2021 में देखे हैं, इन 80 पेजेस से 30 क्वेश्चन 2020 में देखे हैं। तो 2022 में बेटा हम इनके दोनों के बीच यानी 31 क्वेश्चन की तो उम्मीद कर सकते हैं। आना या ना आना एक बात अलग है, बट उम्मीद तो कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से समझिए, ये 80 पेजेस आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र के हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले टर्म पर सेकेंड बुक का मैंने पेज बताया था आपको बेटा, ये पूरा चार्ट बना हुआ है उसका। इसमें बेटा मैंने पहला पेज आपको डिस्कस किया था, ये कुछ पेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए देखता हूँ, क्या पेज नंबर ये बताया था। हाँ, ये हो चुका है। आज बेटा हम सबको ये नया पेज बताना है, पेज नंबर 77। अच्छा, ये हो गया है, ये कोडोमिनेंस वाला ही है ना। हाँ ठीक है, आज बेटा हम सबको पेज नंबर 131 पर का डिस्कशन करना। नमस्ते श्वेता। और इससे बेटा, इस पेज से 11 क्वेश्चंस आए अब तक, और किसी एक पेज से 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत माने रखते हैं बच्चों। अब सवाल है कि 11 क्वेश्चन बेटा कहाँ कहाँ से हैं। टीजीटी बायो की क्लास बेटा शाम को चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ये टॉपिक बेटा चैप्टर 7 इवोल्यूशन से है, जिसमें एविडेंसेस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स और मिलेनिज्म पर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पेज पर। आइए, पहला क्वेश्चन है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वे होते हैं जिनकी ओरिजिन बेटा डिफरेंट हो, इन फंक्शन के कारण वो एक जैसे दिखने लगें। ऐसे इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो क्या बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बताते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व टू सेम फंक्शन एंड हेंस सिमिलरिटी दिखने लगती है। साफ दिख रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर, मैंने क्यों कहा है, बढ़ गया। ठीक है, एक तो ये पॉइंट क्लियर है। अब बेटा कहा कुछ एग्जाम्पल्स दे दो एनालॉगस के। तो ऑक्टोपस एक मोलस्का है, निश्चित रूप से उसकी आंख देखने का ही काम करेगी, उसकी ओरिजिन कुछ और होगी। और मैमल्स एक कार्डेटा है, इसकी आंख भी देखने का ही काम करेगी, इसकी ओरिजिन कुछ और होगी। तो दोनों की ओरिजिन कैसी बेटा, डिफरेंट है। फंक्शन दोनों का विजन है, तो कैसे ऑर्गन हो गए, एनालॉगस हो गए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया।
कई दिशाओं से आकर एक जगह मिल गए। ऐसे ही फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, बर्ड्स एंड मैमल्स, ओरिजिन अलग अलग है, फंक्शन दोनों का सेम हो गया। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, वहीं पर बेटा पोटैटो स्टेम का, यानी एक रूट का मॉडिफिकेशन, एक स्टेम का, इन दोनों का काम बेटा फूड स्टोरेज कामिक एनालॉगस आर्गन। तो आपको तीन एग्जांपल याद करने बहुत अच्छे से, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है एविडेंसेस फ्रॉम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से कैसे एविडेंसेस बताओगे कि इवोल्यूशन हुआ है। अगर मैं कहूँ वो छोटा सा एग्जांपल, हमारी बॉडी में नेम ट्रिप्सिन है, हम तो मल्टी सेलुलर मैमल हैं, यानी यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ में एंजाइम ट्रिप्सिन है, यानी प्रोटोजुआ का जीन हमारे तक वैसा ही चला आ रहा है। जैसे हम पता चलता है वी इवॉल्व फ्रॉम द यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ, तो केमिस्ट्री से इवोल्यूशन का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल सेम, ठीक। प्रोटीन एंड जीन्स, मैंने प्रोटीन एंड जीन्स कहा ना, मैंने वही बात बोल दी। अब ये अमीबा को ले लो, तो जीन है, ये जीन बेटा वही प्रोटीन बना रहा है जो हमारी बॉडी में जीन प्रोटीन बना रहा है, तो मैं इसी से दीवाल होता माना जाऊंगा, केमिस्ट्री दोनों की सेम हो गई, कीमोइलेशन करेक्ट बेटा। तीसरा है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब, एक नेचुरल ब्रीडिंग है और एक बेटा सेलेक्टिव, और छोटा सा पॉइंट है। नेचुरल में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी से भी मिलकर के नई ऑफिस भी बनाएगा, सेलेक्टिव में क्या होगा, पर्टिकुलर प्रकार के ऑर्गेनिज्म को लेकर के हम रिप्रोड्यूस कराएंगे, तो वेरिएशन बेटा हमें जल्दी देखने को मिल जाएंगे, जो कि नेचर में हुआ वेरिएशन हजारों साल ले लेगा, तो मेरे द्वारा सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराने पर वेरिएशन बहुत जल्दी आ जाएगा। नेचर में मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स के लिए, मैन हैज डोमेस्टिकेट करता है बहुत से वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप, इंटेंसिव ब्रीडिंग ऑफ प्रोग्राम के अंतर्गत क्रिएट करते हैं ब्रीड डिफर फ्रॉम द ब्रीड डॉग बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। फिर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का, वो क्या है, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ द ईयर मैन बना लेता है नई ब्रीड, बना ही लेगा तो सेलेक्टिव है, नेचर में कुड नॉट नेचर डन द सेम इन द मिलियन, लाखों साल में भी जो नहीं बन सकता है मैन उसे बेटा हंड्रेड ईयर में। तो वहां पर क्या कहोगे, हंड्रेड ईयर वर्सेस बेटा मिलियंस ऑफ ईयर, दो को सेलेक्ट करके नई ब्रीड हम सौ सालों मना लेते हैं और ये दो का सिलेक्शन लाखों सालों में भी हो ही नहीं पाता यार। एक क्वेश्चन बन जाएगा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इसको ज्यादा नहीं देखना, मालूम है ना इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या है, कब से पहले 1850 से पहले इंडस्ट्री नहीं थी, तो इंग्लैंड के जंगल में लाइकेंस बहुत ज्यादा थे, 1850 के बाद इंडस्ट्री आई, कोयले की इंडस्ट्री, कार्बन शूट निकला, पौधों पर कार्बन जमा हो गया, लाइकेन घट गए, कौन से मॉथ बढ़ गए, ब्लैक मॉथ बढ़ गए, व्हाइट मॉथ घट गए, पहले व्हाइट ज़्यादा थे ब्लैक कम थे, अब ब्लैक ज़्यादा है व्हाइट है। तो ये तो दो ईयर याद रखना है, 1850 और वहीं से
1920 में कलेक्शन किया गया, तो क्लियर है ना ये पॉइंट, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें चले जाओगे और इसी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। तो 131 पेज पर 11 क्वेश्चन इवोल्यूशन के। पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एज ऑब्जर्व इन प्रेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट द टू ब्लैक मिलेनिक फॉर्म्स अराइज बाई रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन से हुआ था। हुआ होगा कभी? अब आप म्यूटेशन के कारण बेटा चेंज होता है तो सही है, कब होगा ये हमें आपको पता नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा सा, यहां पर जो दिया जा रहा है देखो, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन गिव वन करेक्ट एग्जाम्पल, आप किसका लो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट मिलाना है। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड ये दोनों की ओरिजिन कैसे है? सेम। फंक्शन क्या है? डिफरेंट, तो ये डाइवर्जेंट है नॉट कन्वर्जेंट। आइजा ये कैसे हैं? कन्वर्जेंट, तो उल्टा हो गया, गलत है ये। आइजा ऑक्टोपस ये कैसे हैं? कन्वर्जेंट। एंड द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ये डाइवर्जेंट है, यही आंसर हो गया। ये बेटा डाइवर्जेंट गलत हो गया, ये बेटा बोलो डाइवर्जेंट तो गलत हो गया। तो कौन कौन से गलत हैं? पहला ये, दिस इज द मैचिंग बताना। चलो आओ, व्हाट इज कॉमन टू व्हेल सील शार्क? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे बेटा? अलग अलग जगहों से आए हैं, व्हेल मैमल ठीक, शार्क फिश, लेकिन सबका काम है स्विमिंग, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बॉडी सबकी धारा रेखित है, पानी को चीरने वाली, ठीक है। अगला केस देखो, द प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म विल डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक अडॉप्टेशन इन द रिस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चेंज इज कॉल्ड। क्या कह रहा है? डिफरेंट जगह से आए हैं, कॉमन हैबिटेट, इसमें जो कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज बेटा, कॉमन एनवायरमेंट का मतलब बेटा कन्वर्जन दिख रहा है, आपको भाषा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इन द केस ऑफ पेपर मॉथ द ब्लैक कलर फॉर्म बिकम डोमिनेटेड ओवर द लाइट कलर मॉथ इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दिस एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन जानते ही। फिर बेटा आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ द कैट डिफरेंट पैटर्न, कौन सा बेटा? एनालॉगस ऑर्गन्स है। रिपीट हुआ क्वेश्चन मानो, आप लिखने का तरीका बदल सकता है बस। अमंग द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इनकरेक्ट कौन सा है? डाइवर्जेंट का बेटा बोलो, ये है आइज ऑफ ऑक्टोपस, किसका है बेटा? ये कन्वर्जेंट का है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एग्जाम्पल आप बोलो, नेचुरल सेलेक्शन। यानी अगर आप देखोगे तो पेज का सब रिवीजन ही तो है। यानी अगर हम ये कहें कि बेटा 100 क्वेश्चन हम मिले तो उसमें आपसे 25 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहे हैं, इसीलिए पेज वाइज में और कॉन्फिडेंस आ जाता है। चैप्टर पढ़ो, ईयर वाइज क्वेश्चन लगा लो तो कुछ मिलते नजर तो आएंगे, लेकिन हकीकत वही से ही होंगे समझ में कम आता है, इसलिए ये बहुत अच्छा अप्रोच है आपके लिए। एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन होते हैं बेटा? वही चीज दे दिया, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन डॉल्फिन एग्जांपल। तो मैं समझता हूँ 20 में क्वेश्चन आया है, 21 में नहीं आया है, तो 22 में चांस बढ़ जाते हैं और इम्पोर्टेंट तो है ही। चलिए एक पेज कंप्लीट हो गया। मिलेनिज्म कन्वर्जन, मिलेनिज्म एनालॉगस, बस इतना ही तो था। कभी कभी ये भी ध्यान करो, किताब में लिखा मिलेनिज्म किसे कहते हैं? पेपर मॉथ का एग्जाम्पल, और दूसरा कन्वर्जेंट और एनालॉगस विद एग्जाम्पल, दैट्स ऑल फिनिश फाइनल। इतना इजी, इतना आसान है हर चीज, कुछ कठिन नहीं, हमें बस कोशिश करनी होगी। आइए बेटा
पेज नंबर 152, क्वेश्चन 11, हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा इम्यूनिटी का है ये? इम्यूनिटी से पहले बेटा पेज अगर आप किताब खोलते हो तो आपको छोटा सा पॉइंट आउट मिलता है, वो कौन सा है? ग्राफ्टिंग का है। ग्राफ्ट किसे कहते हैं? वही है जब किसी एक ऑर्गेनिज्म के किसी ऑर्गन को जरूरत पड़ती है तो दूसरे से दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अपने ही बॉडी से अगर कुछ लगाते हैं तो ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, सेम स्पीसीज से ले लेते हैं तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं, डिफरेंट से ले लेते हैं जिसमें मेंबर से ले लेते हैं तो एलोग्राफ्ट कहते हैं, और जीनोग्राफ्ट कहते हैं जब हम स्पीसीज ही बदल देते हैं। अपनी बॉडी से तो ऑटोग्राफ्ट, ब्रदर सिस्टर रिलेशन से तो आइसोग्राफ्ट है। अब क्वेश्चन आता है क्या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के कौन सी दवा देते हैं? साइक्लोस्पोरिन किससे मिलती है? ट्राइकोडर्मा फंगस से, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव फॉर द ग्राफ्ट रिडक्शन कौन सा है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एक ह्यूमरल होता है, दूसरा सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल बेटा एंटीबॉडीज बनाता है, सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट बनाती है। अब आइए बेटा एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जब बॉडी पैथोजन के प्रवेश करने के बाद स्वयं एंटीबॉडीज बनाए तो उसे हम लोग एक्टिव कहते हैं, दैट्स ऑल। एंटीजन किसे कहते हैं? किसी भी बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, किसी भी बाहरी माइक्रोजम की बॉडी पर, किसी भी बैक्टीरिया के सेलवाल पर कोई ऐसा कंपोनेंट जो मेरी बॉडी में प्रवेश करे और एंटीबॉडी बनाने को इंड्यूस करे तो उस केमिकल को हम लोग एंटीजन से कहते हैं। एंटीजन हर वो केमिकल है जो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने को इंड्यूस करता है। अगर एंटीबॉडीज ना बना पाए मेरी बॉडी तो एंटीजन मुझे नुकसान पहुंचा देगा, करेक्ट। चलो फीचर्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी कैसा होता है? स्लो होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, फुल इफेक्टिव। तीन पॉइंट हैं एक्टिव इम्यूनिटी पे बेटा, धीरे धीरे होती है, समय ज़्यादा लेकिन रिस्पांस भी फुल है। ज़्यादा समय लगता है और रिस्पांस ज़्यादा समय के लिए रहता है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो बेटा ज़्यादा समय तक याद रहेगा और सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। पैसिव ना बनो। एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस कौन करता है? कोई भी ऐसा माइक्रोब जिसमें एंटीजन पाया जाता हो मेरी बॉडी में प्रवेश कर जाए वही करता है। पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हो? जब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी ले लो तो क्या कहलाती है? पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क कंसीडर एज एसेंशियल? मदर का मिल्क, इनिशियल मिल्क, येलो कलर का मिल्क कोलोस्ट्रम कहते हैं, IgA पाई जाती है। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर को क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। कलर कैसा है? येलोइश। एंटीबॉडी ऑफ कोलोस्ट्रम में कौन सी है? IgA। फीटस क्या रिसीव करता है? IgG। IgG डेवलप करते हैं कैसी इम्यूनिटी? नेचुरल, लेकिन कैसी? पैसिव। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है? आपकी बॉडी में इनएक्टिव पैथोजन डाला जाए इसे बेटा कहते हैं वैक्सीनेशन। इनएक्टिव पैथोजन, वीक पैथोजन कहते हैं एंटीजन्स, और आपकी बॉडी में डाला जाए तो कहलाता है वैक्सीनेशन। जानबूझ के डाला जाए कैसे बोलो? वैक्सीन कैसे लग? जानबूझ कर अपने आप लग जाती है। और ये वैक्सीन आपकी बॉडी में इंसर्ट का दिस प्रोसेस का वैक्सीनेशन, लेकिन उस वैक्सीन के या उस वैक्सीन में प्रेजेंट एंटीजन की उपस्थिति में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएं और हम उस एंटीजन से बच जाएं
हमेशा बच्चे रहें, दिस इज गॉड इमोनाई यूजेशन। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाया कोरोना हो गया, इसका मतलब हम वैक्सीनेट तो हो गए बट इम्यूनाइज्ड नहीं हुए। इस तरह से क्वेश्चन यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन मेमोरी पर बेस्ड होता है। व्हाट इज वैक्सीनेशन, मैंने आपको बताया वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन आपकी बॉडी में दे दिया जाए इनएक्टिव करके। व्हाट हैपेंस इन द वैक्सीनेशन में एंटीबॉडीज शरीर में बनती हैं एंटीजन के अगेंस्ट, जो एंटीजन को नेचुरली न्यूट्रलाइज कर देती हैं। वैक्सीन इज ए इन बॉडी जनरेट, बॉडी में वैक्सीन क्या जनरेट करती है बताओ बेटा, वैक्सीन क्या जनरेट करती है, लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है, मेमोरी बी सेल्स और टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली एक्सपोजर पर। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? आर्टिफिशियल पैसिव मतलब क्या होता है, जब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज आप में सीधे दे दी जाए उसे क्या कहते हैं, बोलो, आर्टिफिशियल पैसिव। जब टिटेनस हो जाता है तो टिट बैक का या एटीएस के इंजेक्शन लगवाते हैं, स्नेक जब काट लेता है तो एंटी वेनम के इंजेक्शन लगवाते हैं। इन दोनों को ही हम बने बनाए एंटीबॉडीज बॉडी में इंसर्ट करते हैं, इसे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, रिस्पांस बहुत जल्दी आ जाता है। व्हाट इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल सही है, जब सांप ने क्या हो बेटा काट लिया हो तो आपकी बॉडी में क्या प्रवेश कर चुका है, वेनम। हम क्या चाहेंगे, बना बनाए वेनम ले आए और वेनम को निष्क्रिय कर दें, ये कहलाएगा पैसिव। नाउडेज एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किस में डेवलप किए गए, बैक्टीरिया और बेटा ईस्ट। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन किस में प्रोड्यूस किया गया बेटा, ईस्ट में। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, फर्स्ट डोज इज रिकमेंडेड विद इन द 24 आवर्स ऑफ द बर्थ HIV का, 2 or 3 मोर डोजेज आफ्टर देर देंगे। फर्स्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, पहली वाली। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट वर्जन भी मार्केट में आई, कब बेटा, 1986 में। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आज का ब्रह्मास्त्र में दूसरा पेज रहा। अब इस एक्टिव पैसिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे, बहुत सरल क्वेश्चन होंगे इसमें, आइए पेज नंबर 152 क्वेश्चन नंबर 11 हेल्थ एंड डिजीज, टॉपिक कौन सा, इम्यूनिटी। पहला क्वेश्चन, पर्सन को टिटेनस के लिए कैसी इम्यूनिटी देंगे बड़ो, बनी बनाई एंटीबॉडीज देंगे, यस या नो, डेफिनेटली। दूसरा क्वेश्चन, ग्राफ्टेड किडनी, अगर किडनी को ग्राफ्ट किया जा रहा है तो कह रहा है रिजेक्ट कौन करेगा बेटा, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट करेगा, सही है कि नहीं है, रटा है यार, यही तो बता रहे हैं और क्या करना तुम लोगों को, ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है। फिर क्वेश्चन कहा गया किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी वाइज किसकी आएगी, रिजेक्शन की बात आएगी नहीं आएगी, तो इसमें किडनी जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो इसमें कहा गया दो स्टेटमेंट करेक्ट है, वो दो कौन से हैं, इवन इफ द किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रिसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनो सप्रेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये स्टेटमेंट सही है, इम्यूनो सप्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, सही है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा, बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन, गलत है, द एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स, नहीं, तो आंसर कौन सा लग जाएगा बेटा, ए और बी करेक्ट, जो पहले लग गया। अगर कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हैं तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसा भी आए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। दूसरा, एंटी वेनम इंजेक्शन, सीधा सा क्वेश्चन है, एंटी वेनम इंजेक्शन अगर दिया जा रहा है किसके अगेंस्ट, वेनम के अगेंस्ट,
तो कहाँ बना था वो हॉर्स में, ऐसा होता है हॉर्स में सांप, सांप को हॉर्स, हॉर्स को सांप से कटवा दिया तो सांप की बॉडी में एंटीजन चले गए, विष चला गया हॉर्स, हाँ घोड़े के शरीर में, और घड़े घोड़े के शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू किया, फिर घोड़े का ब्लड निकाल कर एंटीबॉडी हमने प्योर कर लिया। तो एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन प्रीफॉर्म बनी बनाई ना, वाइल पोलियो ड्रॉप दैट एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बॉडी कंटेन। अब पोलियो ड्रॉप में क्या होता है ये पूछा गया, तो पोलियो ड्रॉप में बेटा वीक पैथोजन होते हैं, यानी ये वैक्सीन है, एक्टिव इम्यूनिटी बनाएगी, बनी में एंटीबॉडी दे ले रहे हैं एक्टिव। फिर बेटा ट्रांसप्लांटेशन हुआ किसी का, टिश्यू ऑर्गन का फेल हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता पेशेंट में, कौन सी इम्यूनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल मेडिएटेड, रिपीट हुआ। यानी कि आप अगर किताब पढ़ो और पेज वाइज स्टडी करो तो आपको लगता है कितना तो सही है, वही तो आ रहा है। ऐसा केवल बायोलॉजी में नहीं है, ऐसा ही फिजिक्स में, ऐसा ही केमिस्ट्री में है। कभी मुझे नहीं लगा कि किसी टीचर ने एनसीईआरटी की किताबों से इस तरह से केमिस्ट्री भी बनाया हो, फिजिक्स भी बनाया हो। अगले 6 महीने में ये हम काम करेंगे, फिजिक्स के भी पेज वाइज और केमिस्ट्री के पेज वाइज क्वेश्चन निकलवा देंगे। लेकिन अब क्योंकि बायोलॉजी किया है तो मन कर रहा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कर दे। फिजिक्स में कर लेगा और 25 से 30 क्वेश्चन का मार्जिन निकाल लिया तो सिलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। कि इनको तो बेटा पढ़ ही लो, इस फार्मूले में क्वेश्चन आना तय, इस फार्मूले के 12 क्वेश्चन याद कर लो जो आए हैं, सही बता रहे हैं। आप अनुसार उठाओ बेटा आज जा करके, जो चैप्टर आपको फिजिक्स का अच्छे से आता हो उस चैप्टर के क्वेश्चन जो PYQ उसे सॉल्व करना, आप देखना पर्टिकुलर एक ही चीज पे बार बार पूछा जा रहा है, ज्यादा नहीं भागते वो लोग, ज्यादा नहीं भागते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो इसको हम लागू करेंगे, बनाएंगे। मैच द इच डिजीज विद इस करेंट टाइप ऑफ वैक्सीन, जल्दी बताओ बेटा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मानकर चलते हैं, 2015 में पूछा गया, किसके लिए कौन सी है, पहले के लिए 4, ट्यूबरक्लोसिस के लिए हार्मलेस बैक्टीरिया दिया जाता है, होपिंग कफ के लिए किल्ड बैक्टीरिया दिया जाता है, डिप्थीरिया के लिए इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दिए जाते हैं, पोलियो के लिए हार्मलेस बैक्टीरिया दिया जाए, वायरस दिए जाते हैं। कोलोस्ट्रम में क्या होता है बेटा, IgA। फिर बेटा रिजेक्शन आ गया, यही तीसरी बार पूछा गया नहीं, ठीक। अब इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफरेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक टू कंफर्मेटरी एविडेंस। किसी की बॉडी में बेटा एंटीबॉडीज की क्या है, कमी है, कैसे पहचानोगे? एंटीबॉडीज का मतलब बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्लड में नहीं पाई जा रही, IgG नहीं पाई जा रही, कैसे पहचानेंगे? बताया है हीमोसाइट से या सीरम की ग्लोबुलिन प्रोटीन से, फाइब्रिनोजन से, इसे बेटा एल्ब्यूमिन तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने काम करता है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में काम करता है, और यही है ग्लोबुलिन्स जो कि डिफेंस में काम करती हैं। आंसर ये लग जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डस कॉन्स्टिट्यूट द लार्जर पर्सन ह्यूमन मिल्क। मिल्क में कौन सी IgA, ये भी दो बार रिपीट हो गया। मुझे तो लगता है बेटा अब रिपीटेशन का चांस और बढ़ने वाला है, जैसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं रिपीट वही तो करेंगे वो, इसलिए क्वेश्चन को पेज वाइज पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, इम्यूनिटी व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली देंगे तो क्या बनाएगी, पैसिव, बिल्कुल सही है। इन एक्टिव इम्यूनिटी
क्विक ना स्लो होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है ना, आपका सेंस बताओ ये हुआ बेटा हमारा पेज नंबर कौन सा था, दूसरा कि तीसरा, आज का दो, तीसरा पेज आओ, पेज नंबर 198, 10 क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल से, सेपरेशन बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल से। पेज नंबर किताब जरूर खोल लेना 198 से। ठीक है यार, तुम्हें ध्यान नहीं, ये न लगा तो उसको पढ़ा देते यार, रोमांस बता लगवा दे, वो कल कर देते। अब थोड़ी टाइम बचेगा, टाइम टू पढ़े। तुम लोग बोलते कुछ नहीं है। कल ब्रह्मास्त्र नहीं लगाएंगे, कल पढ़ाएंगे उस क्लास को, फिर पढ़ाएंगे, आज ही करो, क्योंकि टुकड़ों में ज़्यादा चला जाता है, गड़बड़ हो जाता है, एक चीज़ तो जानो। आइए, अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम तो था कि पहले तो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को चुनना, फिर उसका डीएनए निकालना, फिर उसको काटना, और काटने के बाद प्यूरीफाई करना। तो कैसे डीएनए को सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस का कई बार क्वेश्चन है, आंसर केवल जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या यूज करते हैं, ये सारी बातें आपके सामने रखी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बेटा क्या बनता है, डीएनए को काटते किस एंजाइम से, बोलो, रिसक्शन एंडो न्यूक्लियस, किस जगह काटता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, किस बॉन्ड को काटता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, कौन सा लिंकेज होता है, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए किस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए फ्रेगमेंट किस द्वारा सेपरेट होते हैं, फोर्सफुल्ली ये मूव करते हैं एनोड की ओर, क्यों, डीएनए का पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ज्यादा किधर की ओर है, पॉजिटिव की ओर। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स कौन सा होता है, एगेरोज जेल, एग्रोज जेल क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर किससे प्राप्त किया जाता है, सीवीड्स, ये सीवीड कौन होते हैं, रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया और जिलेडिनम। डीएनए के फ्रेगमेंट कैसे रिजॉल्व या सेपरेट होते हैं, तो किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्लेट पर कौन से डीएनए तेजी से भागते हैं, स्मॉलर, जितने छोटे होंगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट तेजी से मूव करते हैं, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को किसकी प्रेजेंस में देख पाते बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड, स्टेन करके देखने के लिए बेटा, और क्या यूज करते हैं, यूवी रेडिएशन, बिना इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन के हमें दिखाई नहीं देंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड मिलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद, किस कलर के बेटा, हाँ, ब्राइट ऑरेंज कलर के। इल्यूशन किसे कहते हैं, जब उस प्लेट में ये डीएनए आ जाते हैं तब दो पॉइंट, इनको काटना और अलग करना इल्यूशन कहलाता है, उस जेल पर पड़े हुए डीएनए को पहले काटना फिर अलग करना, यानी कितने स्टेप्स हुए, दो। इल्यूशन में क्या आता है ये पूछा जाए, सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए कट आउट, पहले काटना है एंड फिर एक्सटेंड निकालना, इस स्टेप को इल्यूशन कहते हैं।
केवल खींचना नहीं है, पहले बोलो प्रॉपरली काटना है, फिर उसे अलग करना है। डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाई करते हैं डिफरेंट एंजाइम को देकर के। फिर गिव द एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स, और क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? प्लाज्मिड बेटा, प्लाज्मिड की बात करें अगर हम लोग, प्लाज्मिड क्या होते हैं, कौन बताएगा बेटा प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेक्टर, के क्या करेक्टर होने चाहिए? नंबर एक बताया था, याद है, रेप्लिकेशन की पावर हो, ओरिजिन ऑफ पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन हो, सेलेक्टेबल मार्कर हो तो बेहतर है, ठीक है, एबिलिटी हो उसमें रेप्लिकेट करने की इंडिपेंडेंट टू द बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, और एबिलिटी हो बेटा उसकी कॉपी की संख्या ज्यादा बनाने की, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेलेक्टेबल मार्कर हो, वेक्टर क्लोनिंग साइट्स हो, ये सारी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की। करेक्टर्स ऑफ बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है, इसका डीएनए इन्फेक्शस होगा जब बैक्टीरिया में जाएगा। क्या करेक्टर है बेटा? हाई नंबर ऑफ पर्सन है, हाई कॉपी बना लेते हैं, सम प्लाज्मिड में 1 to 2 कॉपी भी पर सेल पाई जाती हैं, कभी कभी 15 से 100 प्लाज्मिड भी एक सेल में हो सकते हैं, नंबर इनके हायर भी हो सकते हैं। अगर हम लिंक करते हैं एलियन पेश ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर्स इक्वल टू द कॉपी नंबर। वेक्टर यूज करते हैं आज प्रेजेंट में कैसा बटो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है, पीवीआर 322 बेटा इसी प्रकार का जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेटा क्या है, वायरस है या बैक्टीरियोफेज है। क्वेश्चन देख लो इसके, बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ इसको सेपरेशन ऑफ डीएनए, यस, जेल क्या है, पॉलीथाइल ग्लाइकोल, जीन ट्रांसफर करने के लिए, बिल्कुल वही है। विच वेक्टर कैन क्लोन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बेटा, प्लाज्मिड में इसे जोड़ा जा सकता है। डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड क्लोनिंग इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। एगेरोस जेल सी वीड बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, कौन सा फीचर नहीं है प्लाज्मिड का? प्लाज्मिड का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, तो ये इसका फीचर नहीं है। डीएनए फ्रेगमेंट को जनरेट करेंगे स्ट्रक्चर से और फिर सेपरेट करेंगे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वही फिर यहाँ है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड, बिल्कुल वही तरह से क्वेश्चन, आसान। एनालिसिस ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, क्या कहेंगे, पीसीआर। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, तो क्या क्वेश्चन था उसका, देखो, डीएनए स्टैंड फॉर द जेल स्टैंड विद एथिडियम ब्रोमाइड व्हाइल व्यूड अंडर द अपीयर कैसा, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कितने हुए यहाँ पर, एक पेज और ले लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे आज, ठीक है, 11:15 हो जाएगा। पेज नंबर 211 है, क्वेश्चन 10 हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है और जीन थेरेपी, दो चीज़ें इसमें हैं, एक इंसुलिन है और जीन थेरेपी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, इंसुलिन जो है डायबिटीज में पहले हम कहाँ से निकालते थे, तो पेंक्रियाज
जो मरे हुए कैटल और पिग थे उनके पैंक्रियास से निकलते। इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स क्या कॉज करता था? कुछ एलर्जी, क्यों, कुछ बाहरी पिगमेंट भी आ जाते थे इंसुलिन के अलावा, वो हाइपर सेंसिटिव। इंसुलिन में बेटा कितनी चैन होती हैं? दो छोटी पॉली चैन होती हैं, ए और बी। ए में 21 एमिनोसिड और बी में बेटा 30। अब दोनों ही चैन बेटा किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोस्त डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं दोनों चैन को जो आपस में जोड़ते हैं। कौन सी चैन नहीं होती? सी, ए और बी होती। इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन कैसे बनती है? एज ए प्रो हार्मोन। अच्छा, प्रो हार्मोन कहेंगे तो ये रहती है, ये ए चैन है, ये बी चैन है, ये टुकड़ा कैसा है? सी। कौन सा टुकड़ा इस समय हटाना है तो बताओ बेटा, सी। ये हटाना है और ये दोनों बेटा ऐसे जोड़ दें, खत्म हो। तो ये जो है वो प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन नीड टू बी प्रोसेस्ड इट फुल्ली मेच्योर एंड फंक्शनल। बस इस प्रो हार्मोन में, इन दिस प्रोसेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो सी पेप्टाइड है वो हटाया जाता है। सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन में, सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है इंसुलिन में। मेच्योर में ए और बी होता है, सी वाला बेटा हटा देते हैं। मेन चैलेंज इंसुलिन बनाने का क्या था? ये जो इंसुलिन है जिसमें ये चीज बन जाती है बेटा, ये है ना, ए है, बी है, डैश जुड़ी है, ये सी है, इसको हटाना मेन चैलेंज था। कि प्रो हार्मोन की एक ही चैन बनती है जिसमें ए बी सी तीनों पार्ट हैं, ए सी बीच में, बी किनारे। एक जिन से प्रो हार्मोन बनेगा, इसे काटना है तो दूसरे जिन की जरूरत है। आर्टिफिशियल बेटा काटना मुश्किल है, बना तो लेंगे, सी को हटाएंगे कैसे? तो एली लिली कंपनी ने क्या किया, ए जीन अलग और बी जीन अलग, दो को अलग अलग बनाया और बाद में बेटा उसे जोड़ दिया। नेचुरली क्या होता है, एक पूरी चैन बनती है, एक जीन से बनती है, एक चैन बनती है ए बी और सी, सी बीच में होता है जिसे काट देना होता है। अगर सी नहीं काटते हैं तो चैलेंज यही था कि बना तो लेंगे लेकिन काटेंगे कैसे। तब एली लिली कंपनी ने 1983 में बेटा, अमेरिकन कंपनी थी, दो डीएनए अलग अलग बनाए और दोनों को बेटा बाद में जोड़ दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और जोड़ने के बाद वो जीन किस में डाला था बेटा, ई कोलाई में, ये ई कोलाई बना रहा इंसुलिन की चैन। चैन ए एंड बी प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सटेंड करते हैं फिर कंबाइन करते हैं, चैन ए और चैन बी को बेटा अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं, जीन थेरेपी जिसे कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई जीन कैसा हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, कैसा हो गया है, इनएक्टिव, तो उसे क्या करते हैं, निकाल कर दूसरा जीन वहां रखा जा सकता है, इसे जीन थेरेपी कहते हैं। एक एग्जांपल है, जीन थेरेपी में कलेक्शन ऑफ मेथड करेक्ट किया जाता है, डिफेक्टिव जीन को हटाते हैं या रिप्लेस कर देते हैं चाइल्ड में एज वेल एज एम्ब्रियो। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्लिनिकल थेरेपी किसको किया गया था 1990 में, 4 वर्ष पुरानी, 4 ईयर्स ओल्ड बेटा ग्रीक, किस चीज के लिए किया गया था? उस लड़के में जीन कौन सा काम नहीं कर रहा था जो एडिनोसिन डीएमिनेज नामक एंजाइम है? बोलो, एडिनोसिन डीएमिनेज नामक एंजाइम को बनने से रोक रहा है, ठीक। ये एंजाइम बेटा इम्यून सिस्टम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डिसऑर्डर कॉज होता है डिलीशन ऑफ द जीन, यानी डीएनए है
ये जीन है जो एडीएनए बना रहा है ये हट गया, इसका डिलीशन हो गया, ये म्यूटेशन हो गया, डिलीशन हो गया। ऐसे जीन का म्यूटेशन हुआ, डिलीट हुआ है, जो क्या बनाता था थोड़े समय पहले बेटा, एंजाइम। और एंजाइम किस लिए जरूरी है? इम्यून सिस्टम के लिए। इस लड़की में ये जीन डिलीट हो चुका है तो एंजाइम बनेगा नहीं, इम्यून सिस्टम तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब कुछ बच्चों में एडीए डिफिशिएंसी हो जाती है, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से 100% ठीक कर दिया जाता है। कभी कभी होता ट्रीटमेंट एंजाइम रिप्लेसमेंट से भी होता है, और फिर करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट क्या इन्वॉल्व करता है? पहला, जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल या टिश्यू डिजीज डिफेक्ट। डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इंडिविजुअल में कहाँ देंगे बेटा, इंडिविजुअल या एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल जीन। जीन कैसा है उस पर्सन में? नॉन फंक्शनल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बना पा रहा है? नहीं, नहीं बन रही, तो इम्यूनिटी घट गई, हाँ। बट द प्रॉब्लम विद बोथ दिस अप्रोच है, दोनों ही कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। तो कंप्लीट क्योरेबल कौन सा बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर मुझे डिजीज का पता चल जाए, तो एम्ब्रियो में अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें तो 100% क्योर। फिर से सुनिएगा, एडीए के केस में या इस केस में, एडनोसिन डीएमएनएस के केस में जीन थेरेपी कब दिया जाना चाहिए? जब बच्चा का जन्म ना हुआ, तभी ट्रांसप्लांट करो, ठीक है ना? बड़ी समस्या है, कैसे होगा? चलिए आगे, खुद हो गया, यही चीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है दोनों केसेस में? कंप्लीट क्यूरेबल कोई नहीं है। फर्स्ट स्टेप टू जीन थेरेपी क्या है? लिम्फोसाइट बेटा निकाल करके और फिर उसमें नई लिम्फोसाइट को डालते हैं, एक तो ये हो जाता है। दूसरा, जन्म के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो भी पूरी सफलता नहीं मिलती है। अगर एम्ब्रियो में ट्रांसफर करते हैं पूरी सफलता मिल जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। चलिए इनके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, आइए क्या दिया है इस पेज के क्वेश्चन नंबर बेटा, पहला क्या है? 211 पर 10 क्वेश्चन है बायोटेक के एप्लीकेशन से। ह्यूमन इंसुलिन कॉमर्शली प्रोड्यूस करते फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज आप बोलो ई कोलाई। एडनोसिन डीएमिनेज क्योर करते हैं परमानेंटली, बताओ बेटा कैसे क्योर को बोलो? इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल प्रोड्यूस एडीए इनटू द बोलो किसमें? अर्ली बनाने। जन्म के बाद दोगे तो परमानेंट क्योर बेटा नहीं हो पाता है। आओ, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट? द प्रियॉन्स नहीं, प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड सी, सही है। प्रो इंसुलिन में बेटा सी है कि नहीं है? ए बी और सी एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं तो ये दो बचते हैं बस। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गलत है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से खत्म हो गया, गलत। क्या है? When जीन ट्रांसजीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्पलीफिकेशन अटैम्प एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज नोन एज। किसी ऑर्गेनिज्म में जीन की बात, जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्पलीफिकेशन, तो प्रोसेस क्या है? जीन थेरेपी। चलिए 8 के बाद 9 और इधर तीसरा क्वेश्चन है, बताओ बेटा दो पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन की किससे लिंक्ड हैं? डाइसल्फाइड से। बताओ बेटा 1990 में 4 वर्ष ओल्ड गर्ल को इसके लिए दिया गया था, उसकी क्या है बेटा? जीन। कितना आसान तो है। विद रिगार्ड द इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, ये सही है ना? मेच्योर भी सी नहीं है, ए और बी है। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाई आर इटोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, ना उसमें भी नहीं, ये गलत है।
ठीक, प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, ये सही है, प्रो होता ना सी, ए पेप्टाइड इज एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकैंडिडेट डाइसल्फाइड, ये सही है। तो कौन कौन से सही है बेटा? ए सी डी, ए सी डी इज करेक्ट। दोजी किसका क्वेश्चन है और आई किस से बोलो कौन सा है? एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशेंसी रिजल्ट इनटू द बोलो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, काम करना। ठीक, विच आर द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? भाई देखो, अगर एनिमल की बात करते हैं तो रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर लिए जाते हैं, अगर प्लांट की बात करते हैं तो टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड लेते हैं, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेसेंस का प्लाज्मिड यूज करते हैं वेक्टर को ले जाने के लिए, यहाँ रेट्रोवायरस होगा। एक और मैचिंग है, उसको देख लो बेटा क्या है, आ जाएगा आसानी से, आ जाना चाहिए। ठीक, आ जाना चाहिए। क्या है देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन बताओ बेटा, बेसरस थीजेनेसिस, कोई चार है, अकेला है, जाने दो। और क्या भाई, इससे सरल और क्या होगा, है ना? तो बहुत बार ऐसा आ जाता है, लेकिन देख लिया करो अगल बगल, इतना ही रखेंगे बेटा आज। ठीक है, ओके डन, बाकी कल आएंगे तो इसको पढ़ाएंगे। ओके बेटा, ओके, गुड डे, थैंक यू।